to hear your view on how India sees AI. अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, या AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं ChatGPT को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो ChatGPT के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए। तो मैं AI से आगे जाने की कोशिश करूँ। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी बोलियाँ हैं, मैं AI को कहता हूँ अब इन बोलियों को पकड़िए। मेरे एस्ट्रोनेट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया था, तो हमारे एस्ट्रोनेट्स किस प्रकार से काम करने वाले थे, तो रोबोट से मैं बात कर रहा था। मैंने रोबोट से काफ़ी बातें की और मैंने देखा को मेरे और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था, और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा आपका AI, मैंने 3 मिनट 4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाया। जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं वो चाहता हूँ वो मेरे आवाज़ को सेंस करे, और भले ही मैं उसका नाम ना बोलूँ लेकिन वो मेरे से बात करे। तो उन्होंने कहा ठीक है विल डू दिस। तो मैं हर बार नई चैलेंज देता रहता हूँ। Yeah, it's early days in AI, and I think everyone who uses it, in the same day, you're surprised at how good it is, and you're also surprised at how bad it is. It'll do things you think are hard, and then it'll fail to do some things you think are easy. You know, I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's been such a fantastic experience. So I was definitely challenging the team there, hey, we have to make the accuracy better. And for now, it's like a co-pilot. It helps suggest things, but the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision, we still have to review that, even though it may make us a bit more creative and a bit more productive. You know, it seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए AI ने जो challenges खड़ी की हैं वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर properly train किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो misuse होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने AI से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की, मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी AI जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये AI जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स AI जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज़ डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज़ डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक AI जनरेटेड, और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं AI से पहले काम वो लूँ जिसकी मेरी महारत हो, मेरी महारत हो और मैं थक गया हूँ सो जाऊँ वो कर लेगा तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम कह देते कि भाई तुम 5 बजे उसको फ़ोन लगा देना तो AI कर देगा, या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो तो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की ज़रूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये ना करता, मेरे साथ टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहूं, तो शायद मैं
वैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा, टाइम पास कर लूंगा।